सो गाइस आखिरकार केटीएम की एक बाइक ऐसी है जिसका 25,000 प्राइस कम हो चुका है। डेफिनेटली जो ये ड्यूक 250 एडवेंचर आती है, एडवेंचर 250 जिसको काफ़ी लोग कहते हैं केटीएम की जो आती है, इस पर 25,000 रुपये का इस समय डिस्काउंट मिल रहा है। एंड अब जो इसकी एक्स शोरूम प्राइस हो चुकी है लगभग 230,000 हो चुकी है, पहले इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस थी वो लगभग 255,000 थी, सो अब 230,000 इसकी एक्स शोरूम प्राइस हो चुकी है। लेटेस्ट 25,000 का इसके अंदर हमें डिस्काउंट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है क्योंकि केटीएम की सारी बाइक्स की प्राइस को ज़्यादा ही बढ़ा दी थी KTM ने, बट एडवेंचर 250 की प्राइस जो है कम करी है। एंड ये एक शायद से लिमिटेड पीरियड ऑफर है जो कि 14th जुलाई से 31st ऑफ अगस्त तक ही चलेगा। एंड मुझे लगता है कि यार एडवेंचर 250 की प्राइस इसलिए कम की है KTM ने क्योंकि मुझे लगता है कि ये बाइक इतनी ज़्यादा बिक रही नहीं होगी, इसलिए इस बाइक को ज़्यादा एक सेल्स बूस्ट देने के लिए ज़्यादा बाइक बिके, इस वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं 25,000 रुपये इस बाइक में डिस्काउंट दिया गया है। एडवेंचर 250 की बात करें तो इसके अंदर सेम ड्यूक 250 वाला हमें इंजन देखने को मिलता है, एंड जो बाइक है वो चलने में काफ़ी बढ़िया है, परफॉर्मेंस मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती है। 248 सीसी का इंजन आता है, पंप आउट करता है 29.5 ब्रेक हॉर्स पावर और 24 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। साथ में इस बाइक के अंदर 6 गियर आते हैं और स्लिपर क्लच भी हमें इस बाइक के अंदर देखने को मिलता है विद डुअल चैनल ABS एंड सुपर मोटो। बस इस बाइक के अंदर एक छोटी सी कमी है जो कि इसका फ्रंट हेडलाइट क्लस्टर है, वो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा नहीं लगता है। एक हेलोजन हेडलाइट क्लस्टर आता है, अगर LED आ जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। वैसे बाइक जो है प्रॉपर एडवेंचर 390 का ही फील देती है, बट पावर इसके अंदर थोड़ी कम मिलती है एडवेंचर 390 से। सेम टैंक, सेम सीट, सेम स्टाइलिंग देखने को मिलती है एडवेंचर 390 वाली, एंड जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है बाइक की वो काफ़ी बढ़िया है। तो मुझे लगता है KTM ने इस बाइक को एक थोड़ा ज़्यादा सेल्स बूस्ट के लिए 25,000 रुपये का डिस्काउंट दिया है। टायर्स की बात करें, टायर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगती है। एंड जो इसका ओवरऑल जो एक एक्सपीरियंस रहा है हाईवे पर चलाने का एंड थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग करने का, वो भी काफ़ी बढ़िया है। काफ़ी अच्छी तरीके से बाइक आप हैंडल कर सकते हैं इंडियन रोड्स पे। एंड ओवरऑल जो रियर से लुक आता है वो भी सेम एडवेंचर 390 वाला ही आता है। साथ में आपको यहाँ पर LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे। बाइक लगभग अब मुझे लगता है ड्यूक 250 वाली ही प्राइस रेंज में आ चुकी है, तो डेफिनेटली अगर आप ड्यूक 250 लेने का सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक थोड़ा बेटर डील हो सकती है, बिकॉज ये एक ज़्यादा कंफर्टेबल बाइक है लॉन्ग राइड के हिसाब से। अगर बात करें एडवेंचर यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड ओवरऑल कलर काफ़ी बढ़िया लगता है ये ऑरेंज एंड ब्लैक वाला। एंड इसके अंदर हमें LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि एक TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसा ही दिखता है, बस इसके अंदर जो TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर उसके अंदर LCD डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिलता है। एंड ओवरऑल फ्रंट से लुक डिसेंट है, साइड से लुक बहुत ही बढ़िया आता है इस बाइक का, काफ़ी कंफर्टेबल है चलाने में, सस्पेंशन बहुत अच्छी तरह से वर्क करते हैं। एंड यहाँ पर जो हमें हेडलाइट क्लस्टर देखने को मिलता है, अगर यहाँ पर यार LED कर दे KTM तो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी बाइक और हो जाएगी, और मुझे पर्सनली लगता है कि ये बहुत ज़्यादा बिकने लग जाएगी उस बाइक के उस चीज़ करने के बाद बाइक। एंड सेल्स बूस्ट के लिए डेफिनेटली 25,000 रुपये का डिस्काउंट दिया है, 230,000 रुपीज़ का इस बाइक का इस समय एक शोरूम हमें देखने को मिलता है। सो ओवरऑल आप लगा सकते हो यार, ऑन रोड प्राइस में भी लगभग इतना ही हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा अगर बात करें। एंड ओवरऑल जो लुक एंड फील है बाइक की बढ़िया है, KTM की एक अच्छी एडवेंचर बाइक है, डेफिनेटली एक स्टार्टर एडवेंचर बाइक है। अगर आप हिमालयन ले लेंगे सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको इस बाइक को डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस वाली बाइक है। ब्रेक्स इसके काफ़ी अच्छे हैं, गियर शिफ्ट्स आर रियली स्मूथ, एंड दिस बाइक हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल यार। इस बाइक को आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो, आप जैसे राजस्थान में सैंड वगैरह है तो उन एरियाज में आप ले आ सकते हो, थोड़ा ऑफ रोड कर सकते हो इस बाइक के साथ, ऑफ रोड फन कर सकते हो। एंड डेफिनेटली एक टूरिंग मशीन है, काफ़ी बढ़िया इसके अंदर आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। जो सीट की इसमें स्पेसिंग है बाइक में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी कंफर्टेबल बाइक है, बट थोड़ी सी ऊँची है इसकी सीट, तो आपकी हाइट लगभग 5 feet 8 inches से ऊँची होनी चाहिए इस बाइक को कंफर्टेबली चलाने के लिए। मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया इसका फिट एंड फिगर लगता है बाइक का। मैन्यूवरेबिलिटी इज काफ़ी डिसेंट ऑफ दिस बाइक, एंड मैन्यूवरेबिलिटी सिटी में भी बढ़िया है, हाईवे पे तो बहुत ही अच्छा है, हैंडलिंग भी काफ़ी बढ़िया है, एंड स्टेबिलिटी इस बाइक में काफ़ी अच्छी मुझे देखने को मिलती है हाईवे के लिए स्पेशली। अगर आप टूरिंग आपको पसंद है करना तो मैं डेफिनेटली आपको ये बाइक रिकमेंड करूँगा, बिकॉज दिस बाइक इज़ प्योरली मेड फॉर टूरिंग, एंड सिटी में भी आप आराम से इस बाइक को चला सकते हैं। ड्यूक 250 वाली सेम आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, आपको सेम पावर देखने को मिलेगी, बट फील जो आएगा पूरा एडवेंचर 390 वाला आएगा इस बाइक के अंदर। एंड जो फ्रंट लुक है वो डिसेंट है, साइड लुक काफ़ी बढ़िया है, रियर लुक बहुत बढ़िया है, साइड एग्जॉस्ट हमें देखने को मिलता है, एग्जॉस्ट नोट इज ऑल्सो डिसेंट ऑन दिस बाइक। डुअल चैनल ABS विद सुपर मोटो स्लिपर क्लच, LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर,
अमेजिंग अमेजिंग फीचर्स एंड प्राइस कम हो चुका है, तो बहुत ही बढ़िया डील हो सकती है मुझे इस बार लगता है, बट लिमिटेड ऑफर है तो डेफिनेटली आप जरूर चेकआउट करेगा इस बाइक को अगर आपको लेनी हो। बस मैंने छोटी सी वीडियो बनाई, आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा, इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जरूर कर लीजिए, उस प्यारा से लाल कलर के बटन को तोड़ मोड़ फ्रो जो करने का जाना चाहिए, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना, एंड मुझे आप इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा, throttle_98 मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, वहाँ पर सारी लेटेस्ट न्यूज में डालता रहता हूँ, throttle_98 यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी हैप्पी एंड राइट सेफ, बाय बाय।